नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। जिंदगी और मौत कुदरत की वो सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। जिंदगी मौत में बदल जाती है और मौत जिंदगी में। इंसानों को लगता है कि पहाड़ कभी मरते नहीं है, लेकिन यह गलत है। पहाड़ भी मरते हैं, हालांकि इंसान उन्हें मरते हुए नहीं देखते। लेकिन सच यह है कि पहाड़ की मौत होती है, और ये जो मेरे पीछे आप मंजर देख रहे हैं, ये पहाड़ों को मार कर ही बनाया गया है। हमने सोचा कि क्यों ना पहाड़ों के पास ही चला जाए, जो पहाड़ सदियों से जिंदगी का तमाशा देख रहे हैं, जो इस काल चक्र के सबसे बूढ़े गवाह हैं। हमारा अंदाजा सही निकला। थोड़ी सी खामोशी के बाद पहाड़ों ने अपने जख्मों के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो मैं कह रहा था कि मौत और जिंदगी कुदरत की जरूरत है, लेकिन जिस तरह की मौत पिछले दिन हमारी वादियों में हमने देखी, वो कुदरती नहीं थी। हम देख पा रहे हैं कि उस तबाही का असर कहां कहां दिख रहा है। क्या कन्याकुमारी और क्या कश्मीर, हमारे जिस्म का हर हिस्सा कराह रहा है। किसी का घर लुट गया तो किसी की जिंदगी, किसी के ख्वाब लुट गए तो किसी की आस्था। ये सब देख कर बड़ा दुख और अफसोस होता है, क्योंकि हमें पता है कि हकीकत क्या है, सच क्या है। हम पहाड़ों से यही तो सुनना चाह रहे थे। जैसे ही उन्होंने कहा कि हमें पता है कि सच क्या है और हकीकत क्या, हमने फैसला कर लिया कि अब हम यहां से तभी उठेंगे जब उनका पूरा हाल सुन लेंगे। लिहाजा हम चुपचाप और खामोश उनके कदमों तले बैठे रहे। इस दौरान अचानक हमें हमारे पूर्वजों के पुरखों के न जाने कितने ही किस्से याद आ गए, जो उन्होंने पहाड़ों की जुबानी हमें बताया था। देखते ही देखते सब पानी पानी हो गया। घर, सड़क, पुल, पावर स्टेशन, दुकानें, यानी जिनके सहारे जिंदगी कुदरत को करीब से देखने का हौसला कर पाती, वो सारे सहारे पानी पानी हो गए। सब के सब हैरत में है कि अचानक ये क्या हो गया। ग्लेशियर का टूटना, पहाड़ों का दरकना, जमीन का खिसकना, ये वो हादसे हैं जो चमोली के दामन में हमेशा से होती आई है। कोई नई बात नहीं थी इसमें, कोई नई बात नहीं है इनमें, लेकिन जान और माल का इतना नुकसान, पल भर में चमन वीरान हो गया। ऐसा तो तिलिस्मी दुनिया की कहानियों में पड़ा था। सरकार कुछ कहती है, प्रशासन कुछ और कहता है, और जिन पर बीती उनकी आप बीती कुछ और इशारा करती। चमोली के रैणी गांव के ठीक ऊपर रविवार सुबह एक ग्लेशियर टूटता है, जो तबाही सबसे पहले रैणी गांव के लोगों ने ही देखी। ग्लेशियर टूटने की वजह से रैणी गांव के नजदीक ऋषि गंगा और धौली गंगा घाटी में सैलाब आ चुका था, जो लोगों को तिनकों की तरह बहाकर। रैणी गांव के लोगों ने जब ऋषि गंगा में बड़े बड़े पेड़ और मलबों को बहता देखा तो अफरा तफरी मच गई। हालांकि रैणी गांव नदी से ऊपर होने की वजह से तबाही से बच गया, लेकिन जब मलबे का सैलाब ऋषि गंगा और धौली के संगम पर पहुंचा तो तबाही मच गई। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। 40 से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी साइट पर मौजूद थे। अचानक आए सैलाब ने उन्हें टनल में फंसा दिया। हालांकि टनल में फंसे 16 लोगों को अब तक बचा लिया गया है, लेकिन अब भी बहुत से लोग टनल के अंदर फंसे हुए हैं। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वैसे ये वही ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है जिसका रैणी गांव के लोग पिछले 16 सालों से विरोध कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट का काम 2005 में शुरू हो गया था। प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ों पर स्टोन क्रशिंग और ब्लास्टिंग की वजह से आसपास के जंगली जानवर तक गांव में घुस आए थे।
रैणी गांव के लोगों ने 2019 में ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के खिलाफ उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी अपनी आवाज उठाई थी। तब हाई कोर्ट ने सच्चाई का पता लगाने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। ब्लास्ट के कारण जो ऑलरेडी हमें समझना पड़ेगा कि एक कॉम्पैक्ट माउंटेन नहीं है हिमालय। हिमालय बहुत ही एक लूजली दो प्लेट्स का एक माउंटेन है, और जब आप इसके ऊपर ब्लास्ट करते हैं उसकी इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, और जिसका नतीजा ये है कि हम हर 2-3 महीने में बारिश के समय में हम हर साल लैंडस्लाइड्स देखते हैं और लोगों की मौत देखते हैं, और इस बार तो वह एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। पूरे उत्तराखंड में पर्यावरण के साथ किस हद तक खिलवाड़ हो रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ तमाम छोटी बड़ी कंपनियों के 60 से ज्यादा बिजली परियोजनाएं चल रही हैं। अकेले 29 पनबिजली योजनाओं में से करीब 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। UJVNL ने अकेले पहाड़ों की नदियों पर 32 पनबिजली योजनाएं चालू कर रखी है, यानी कुल मिलाकर उत्तराखंड की नदियों पर बिजली परियोजनाओं का जाल फैला हुआ है, जो न सिर्फ नदियों का रुख मोड़ रही है बल्कि पहाड़ों के दामन को लगातार कमजोर कर रहे हैं। नतीजा कभी 2013 तो कभी 2021 के शक हमारे सामने है। इतना ही नहीं, दर्जन भर से ज्यादा ऐसी बिजली परियोजनाएं तो सुप्रीम कोर्ट तक अटकी पड़ी है, और ये सब कुछ हो रहा है इंसानी तरक्की और विकास के नाम पर। तरक्की के नाम पर इंसानों की इस हरकत को देखते हुए शायद कुदरत ने भी उस इंसान को चुनौती देने की ठान ली जो घमंडी हो चुका है, जिसे लगता है कि कुदरत के दिन और रात भी उसकी बनाई सरकारों के गुलाम, मौसम उसके ही अध्यादेशों का पालन करते हैं। सूरज चांद बादल हवाएं सब आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चीफ इंजीनियर और सरकारी बाबू से इजाजत लेकर और बेलगाम ठेकेदारों को कुछ खिला पिला कर आगे बढ़ते हैं। पर इस बार अचानक इन नदियों ने फैसला कर लिया कि वो तरक्की के नाम पर की जा रही इस गैर कानूनी छेड़छाड़ से अपनी जमीन को पार करे। और फिर कुदरत ने अपना दामन साफ करना शुरू किया। विकास के नाम पर जिस तरह जिंदगी देने वाली इन नदियों और पहाड़ों को बांधा जा रहा है, जिस तरह इन पहाड़ों में जिनसे लिपट कर ये नदियां मैदान पर उतरती हैं, इन भागीरथी जटाओं में सेंध लगाकर अनगिनत सुरंगें खोदी जा रही हैं, उनके खिलाफ कुदरत का ये गुस्सा भी है और चेतावनी भी। पिछले लगभग 37 सालों में जब से उत्तराखंड राज्य बना है, विकास और पर्यटन के नाम पर हर तरह की दुकानें मनमाने तरीके से यहाँ जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है, अंधाधुंध खुदाई चल रही है, बिजली के नाम पर जगह जगह डैम बनाकर नदियों को बांधा जा रहा है, विकास के लिए टिहरी जैसे प्राचीन बस्तियों की आहूति दे दी गई। नतीजा सामने है, यानी कहर ग्लेशियर से जरूर टूटा पर बुनियाद इंसानों ने रखी। हालांकि अब भी अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें हमारी कदर है, जो हमारी जुबान समझते हैं, हमारे जज्बात समझते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती। उंगलियों पर गिने जा सकते हैं ऐसे लोग, बाकी तो हमारे बदन से जोंक की तरह निपट जाते हैं और हमारा खून तब तक चूसते रहते हैं, तब तक जब तक कि उनका पेट फट नहीं जाता। कितना बदल गया है सब कुछ, हम इन्हें हैरत से देखते रहते हैं, इनके पूर्वज हमें माथे से लगा देते, हमारी अहमियत को समझते थे वो लोग, पत्थर को देवता समझते थे वो लोग, उन्हें पता था कि हम संजीवनियों के रखवाले हैं, हम भी उनकी ताजीम करते थे, उनके स्वागत में शीश झुकाते थे, लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे उनकी औलादों में बदलाव आने लगा। हम जानते हैं कि बदलाव होता है, हमारे अंदर भी परिवर्तन होता है, कुदरत की हर चीज में बदलाव आता है, यहाँ तक कि रीति रिवाजों में भी, मान्यताओं में भी, सोचने के अंदाज में भी, हर शय में बदलाव आता है। ये बदलाव कभी मौत का मजा देता है, कभी जिंदगी की कड़वाहट, पर बहुत हल्के हल्के होता है, जैसे दिन धीरे धीरे रात की आगोश में चला जाता है, जैसे रात सुबह को जगाती है और खुद को समेट कर तकिए के नीचे कहीं छुप जाती है। मगर ये इंसान की नई औलादें सब कुछ झटके में बदल देना चाहती है, और ये झटके हमारे शान स्वभाव को बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है।
ऐसा लगता है जैसे घर में डाकू घुस आए, जिन्हें घर के लोगों से कोई मतलब ना, हमें मरा हुआ समझ लिया है इन्होंने, जबकि सच ये है कि खुद जिंदा लाशें बन चुकी हैं, जमीन से इनका रिश्ता टूट चुका है। हमारी नसों पर ये अपनी गाड़ियां इतनी तेज दौड़ाते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं, न जाने कैसी मशीनें ईजाद कर ली हैं। बस दिल नहीं है इन मशीनों के पास, वरना ये भी इनकी जैसे ही दिल है। वैसे जिनके पास दिल है उनके पास भी कहां दिल। पहाड़ बोल रहे थे और हम सुन रहे थे, उनकी बातें अभी खत्म नहीं हुई, आगे वो क्या कहना चाहते हैं ये भी सुनेंगे। हम पहाड़ों की बातें लगातार सुन रहे थे, उनकी आवाज में दर्द था और ये दर्द धीरे धीरे गुस्से में बदलता जा रहा था। हवाएं भी तेज होती जा रही थी, मानो वो कह रही हो कि पहाड़ सच कह रहे हैं। वैसे पहाड़ों को जितना दर्द मिला, अगर उतना दर्द समंदर को मिला होता तो पूरी दुनिया में सैलाब आ जाता। खैर आइए आगे सुनते हैं कि आखिर ये पहाड़ इंसानों से क्या कहना चाहते हैं। इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ने जो कुछ बनाया है उसके पीछे कोई ना कोई तर्क जरूर है। पानी जिसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती, उसके खजाने हमने दिए। हमारी ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक पानी का ये सफर पूरी धरती को जीवन की सौगात बांटता है। लेकिन आज का सिरफिरा और पढ़ा लिखा इंसान कुदरत के इस भेद से मुंह फेर चुका है। वो कुदरत को अपना गुलाम बनाना चाहता है, वो चाहता है कि हवा उसके इशारे पर बहे, नदियां उससे पूछ कर आगे बढ़े, समंदर उसके हुक्म का इंतजार करे और हम पहाड़ अपने जिस्म में सुराख करवाते रहे। देखा जाए तो जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है उत्तराखंड सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट, वो उसका मूल कारण है। जितने भी टर्बाइने या जो टनल बन रही है तो उससे क्या होता है कि नीचे की सारी जमीनें धंसने के लिए धंसने की कगार पे हैं। पहले भी गांव वाले कह चुके थे कि इससे हमको बहुत परेशानी होगी। क्योंकि अब इन नदियों को ही ले लो, हमारी कोख से निकलकर इन्हें समंदर तक जाना होता है और ठहरना इनके मिजाज में, इनके स्वभाव में ही नहीं है। कुदरत की कारीगरी में ठहरने की इजाजत इन्हें है ही नहीं, उन्हें तो समंदर में समा जाना है। लेकिन इंसान ने, इंसान के विज्ञान ने इनसे बिजली बनानी सीख। इन्हें रोक कर इनकी रफ्तार को और तेज किया। इंसान की मदद के लिए एक हद तक इन नदियों ने उसका साथ दिया, लेकिन नदियों की इस मदद को इंसान उसकी कमजोरी समझ बैठा। बस यही भूल हो गई उससे, और उस भूल का नतीजा चमोली के दामन में जो तबाही, जो जान माल का नुकसान तुमने देखा, वो इसी भूल का नतीजा है। हमें पता है तुम इंसानों का एक तबका ये कह रहा है कि ये कुदरत का कहर है जो जमीन वालों पर टूटा है, लेकिन हम बताते हैं हमसे ज्यादा किसने देखा है। सदियों का इतिहास हमारे सीने में दर्ज है, हम बताते हैं कि हमने कभी कुदरत को कहर बरसाते नहीं देखा, तबाही मचाते नहीं देखा। जब जब इंसान ने कुदरत के साथ बदतमीजी की है, अभद्रता की है, तब तब कुदरत ने अपने गुस्से का हल्का सा नमूना पेश किया है, वो भी चेतावनी के लिए। लेकिन तुम इंसान कहां मानने वाले हो। लेकिन याद रखना, ये कुदरत, ये प्रकृति जीने के लिए सब कुछ देती है, लेकिन जब इंसान उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है तो मजबूरन उसे अपना रास्ता साफ करना पड़ता है। ये तबाही, ये जान माल का नुकसान जो तुमने देखा भुगता, ये कुदरत के उसी गुस्से का सबसे छोटा नमूना है जो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि संभल जाओ, होश में आ जाओ, ताकि तुम्हें वक्त से पहले कयामत न देखनी पड़े। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ शम्स ताहिर खान, उत्तराखंड आज तक। पहाड़ों के सीने पर बम लगाए जाते हैं, उनके जिस्मों को छिला जाता है और फिर धीरे धीरे पहाड़ों की मौत होती है, और उनकी मौत यानी इंसानियत की मौत, इंसानों की मौत। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।